हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कल से आप अपना प्री फाइनल एग्जाम लिखने वाले हैं। लास्ट ईयर दो प्री फाइनल हुए थे, प्री फाइनल वन, प्री फाइनल टू। इस बार भी दो हुए हैं, एक प्रैक्टिस पेपर टू नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअली वो प्री फाइनल वन था, अभी प्री फाइनल टू है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर किस टाइप का था एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है एक पैराग्राफ। दोनों प्री फाइनल्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूँगा, इसके क्वेश्चन आपको बनाना है। यहाँ से दिया गया है एक पोएम और उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस आपको लिखना है। संदर्भ सहित का भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चंस है नीचे। और उसके बाद यहाँ पर से भी दिया गया है कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद आता है पार्ट बी। ये पार्ट बी है, देखिए ये पार्ट बी भी आपको अच्छी तरह करना है, क्योंकि पार्ट बी 20 मार्क्स आपको देगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर, मैं अपलोड करने का यही रीज़न है कि आप इसको पढ़कर एक कॉन्फिडेंस अपने आप में लाए, अपने आप को महसूस करें कि इतना इजी पेपर है। यहाँ से टेंथ लास्ट के दो आपको पता ही है, हिंदी वाले पेपर में ओन सेंटेंसेस बनाने के लिए आता है। यहाँ से यहाँ तक तो ये था फर्स्ट प्री फाइनल। ये है प्री फाइनल टू, इसके अंदर भी एक पैराग्राफ दिया गया था। देखिए ये पैराग्राफ है, अच्छी तरह आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, एक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। फिर दोबारा से एक पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर इसके आंसर्स आपको लिखना है। यहाँ पे पदांश के भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे रीडर से, शॉर्ट और ये लॉन्ग। और यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। उसके बाद आता है पार्ट बी। ये पार्ट बी है, देखिए ये पार्ट बी भी लास्ट ईयर कुछ इस टाइप का था, प्री फाइनल टू का पार्ट बी। ये पार्ट बी वाले हैं, अच्छी तरह पढ़ना है। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरह पढ़कर चेक कर लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर किस टाइप का था। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप इसके अंदर से कितने कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो, कितने अंदर डाउट है आपको, और डाउट घर को अगर आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास एक और मौका है एनुअल लिखने का। तो यहाँ तक आप देखेंगे 20 तक, ये ऑब्जेक्टिव था। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर से आप बेनिफिट उठाएंगे। ऑल द बेस्ट।